शाम को ये साउथ वेस्ट जोन डीसीपी साहब के नेतृत्व में पुराना पुल जुमरात बाजार एरिया में एक व्हीकल चेकिंग कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आया था कि कुछ लोग व्हीकल पे अनअकाउंटेड कैश लेके मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये शाम को व्हीकल चेकिंग और नाकाबंदी कार्यक्रम हुआ जिसमें कि एक टू व्हीलर वाले आदमी को रोका गया। रोकने पर उसको शक हुआ और जब पुलिस ने उससे डिटेल में बात करी, उसको पूछा, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया, वो घबरा गया। तो ऐसा करने पर उसको साइड में ले जाके उस आदमी की चेकिंग करी गई, उसके टू व्हीलर की भी चेकिंग करी गई। जब टू व्हीलर की चेकिंग हुई तो हमको उसकी डिक्की में एक आर्मी का एक ग्रीन कलर का बैग मिला जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। इस बैग को जब खोला गया कि दिखाओ इसमें क्या है, तो उसमें से कैश हमको मिला, 18 लाख रुपया कैश था। जब उससे ये पूछा गया कि ये तुम कैश कहाँ से लाए हो, क्या कर रहे हो, तो उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। फर्दर इसको जब हमने इंक्वायरी किया तब उसने बोला कि कोई एक मुशीराबाद इलाके में हमीदुल्ला बोल के आदमी है, ये उसके लिए काम करता है और उसी के कहने पर ये कैश लेके ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो उसके बाद पुलिस टीम जो है मुशीराबाद गई, इस हमीदुल्ला नाम के आदमी को भी पिकअप किया। इस समय हमारे पास ये दोनों कस्टडी में है, रोहित और हमीदुल्ला। रोहित जो है ये अत्तापुर इलाके का रहने वाला है और ये कलेक्शन एजेंट का काम करता है, जो कि इसने अभी तक हमारे को कबूल किया है। आगे की दरियाफ्त तो अभी जारी रहेगी, इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई है। इस इंसिडेंट में हमको 35,50,000 रुपया कैश रिकवर हुआ है। इसके लिए इनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इतने बड़े रकम को, एक कैश को ले जाना, ये एक अवैध काम है, ये इलीगल काम है, ये गलत काम है और इसी के हिसाब से इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। इस कैश के पीछे और भी कोई बड़ा गैंग है या इनके मेन सप्लायर हैं, उनके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं। हमारी टीम बाकी इलाकों में भी जाके वेरीफाई करेगी और जो भी इस गैंग से शामिल हैं, जुड़े हुए हैं, उनको भी हम जल्दी ही पकड़ के लाएंगे। कार्रवाई करने के लिए इस कैश को FIR रजिस्टर कर दी गई है। तरीके के हिसाब से इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहित को एक ट्रांसफर के लिए कितना डिटेल अभी हम पूछ रहे हैं, अभी स्पेसिफिकली मालूम नहीं कितना है। रोहित हो केस अभी हम इंक्वायर कर रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मिली है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो स्पष्ट बात है कि पहली बार कोई इतना 35 लाख रुपया का जो कैश लेके कहीं आएगा जाएगा नहीं, जरूर इसके पीछे षड्यंत्र है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, हम जरूर उनको ढूंढ निकालेंगे। यूथ है अभी, ये 28 साल की उम्र है, 28 साल में अभी जो है ये कलेक्शन एजेंट का काम बोलता है, कलेक्शन एजेंट का काम करता है। मैं अभी इसका इंट्रोगेशन हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये क्या धंधे है इसको अभी हम निकाल कर, कितने सब कुछ इन्वॉल्व है, पूरा रिकॉर्ड हम पूरे थानों का चेक करेंगे और इसको साफ करेंगे। देखिए इसमें जो अहम बात है, मैं आप सभी पत्रिका भाइयों के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो गैर कानूनी काम है, जैसे कि ये इतना बड़ी कैश की रकम लेकर जाना जिसका कोई इनके पास जवाब नहीं था, क्यों लेके जा रहे थे, किसके लिए लेके जा रहे थे, केवल कैश ही नहीं, इसके अलावा लिकर, शराब क्यों लेकर जा रहे हैं, किसके लिए लेकर जा रहे हैं, वो भी काफ़ी अवैध धंधा लोग करते हैं। और इनसे बढ़कर जो आजकल खतरा है हमें ड्रग्स का, गांजा ड्रग्स है या और किस्म की जो सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स है, उसमें कई लोग शामिल हैं, उसके सप्लाई करते हैं। सप्लाई ही नहीं, वो उसका नशा करने वाले जो है हमारे समाज में, खास करके जो हमारे युवक युवतियाँ हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। ये आप सब भी देख रहे हैं इसको समाज में क्या हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर खास करके जो सरकार ने अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं और फोकस करने को बोला है, ये तीन चीज़ें खास करके कैश, लिकर और ये ड्रग्स जैसे गांजा वगैरह। और आने वाले समय में जैसे जब भी चुनाव घोषित होते हैं, चुनाव का समय नज़दीक आएगा, उसी समय एक तरीके से हमें बिल्कुल इन गलत कार्रवाइयों को, गलत किस्म के जो काम हो रहे हैं, इनको बंद करके और समाज में एक फ्री एंड फेयर वाला, एक पीसफुल शांतिपूर्वक वातावरण पैदा करना है, जिससे कि आने वाले समय में चुनाव में भी सब लोग आराम से और एक बिल्कुल पीसफुली उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी के दबाव में इन गलत कामों में ना पड़े।